ढाका एक्सक्लूसिव में आज की बड़ी खबर, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बिना बहस फैसला ले लिया कि जेएनयू में काउंटर टेररिज्म का कोर्स पढ़ाया जाएगा। ये खबर छपने के बाद बेहद ज्यादा बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। दरअसल जेएनयू ने अपने करिकुलम में 3 नए पाठ्यक्रम जोड़े हैं। पहले काउंसिल ऑफ जेएनयू ने और आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने तीनों कोर्सेज को मंजूरी भी दे दी है। विवाद उस दिन से शुरू हुआ जब पहली बार काउंसिल ऑफ जेएनयू ने कोर्स को मंजूरी दी, और आज विरोध और भी मुखर हुआ जब फाइनल फैसला ले लिया गया कि काउंटर टेररिज्म का कोर्स छात्रों को पढ़ाया जाएगा। काउंटर टेररिज्म पर क्यों और क्या विवाद है और क्या है इसकी असलियत? असल में ये कोर्स आपको क्या क्या पढ़ाएगा, क्या इसका मकसद है, इसका आज करेंगे विश्लेषण। पहले ये रिपोर्ट। जेएनयू के नए कोर्स काउंटर टेररिज्म पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बिना किसी बहस के फैसला ले लिया। फैसला है कि काउंटर टेररिज्म का कोर्स जेएनयू में पढ़ाया जाएगा। विवाद उसी दिन शुरू हो गया था जब 17 अगस्त को जेएनयू की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में काउंटर टेररिज्म कोर्स को मंजूरी दे दी गई, और आज जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कोर्स पर फाइनल फैसला लिया तब विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। व्हाट इज द राइट ऑफ द वीसी टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर्स हैज ही लाइक्स इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज ए ग्रेट प्लेस Your inquisitive knowledge is the motto that should be understood by the VC and authorities. Otherwise, the people are not going to accept it. So this move of the JNU should be questioned by everybody. JNU के प्रोफेसर और छात्र संघ भी नए काउंटर टेररिज्म कोर्स का विरोध कर रहे हैं। JNU प्रशासन एक नया कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, उसके संदर्भ में मैं अपना प्रतिक्रिया देते हुए जेएनयू प्रशासन को दो टुक कहना चाहता हूँ कि जेएनयू प्रशासन को नया कोर्स बढ़ाने के बजाय जो पहले से कोर्स हैं उनको पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काउंटर टेररिज्म पर विरोध जेएनयू के प्रोफेसर और स्टूडेंट से होता हुआ शिक्षा मंत्री तक पहुँचा। कोर्स को शुरू करने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। आरोप लगाया गया कि ये कोर्स जिहादी आतंकवाद और कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद का एक स्वरूप है। तो एक विचार ये भी है कि काउंटर टेररिज्म कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए। पहली बात तो जो ये पाठ्यक्रम है वो जिहादी हिंसा पर नहीं है, ये पाठ्यक्रम काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स पर है। तो चाहे पॉलिसी के या नॉर्मेटिव लेवल पर हो, टेक्नोलॉजी के लेवल पर हो, या आपसी सहयोग और टेररिज्म के अगेंस्ट समाधान निकालने के लेवल पर हो, हम भारत को केंद्र में रखते हुए वैश्विक स्तर पर भारत के द्वारा एवं अन्य राष्ट्रों के द्वारा काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स की बात इस पाठ्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि काउंटर टेररिज्म नफरत को बढ़ावा देने वाला कोर्स है जो किसी विशेष संगठन के विचारों से प्रेरित है। सवाल ये भी उठाया गया कि कोर्स में हिंदू टेररिज्म का जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये कहा गया कि विषय की प्रकृति ही गलत है। सवाल पूछा गया कि इस्लामी आतंकवाद की तुलना देश में मुस्लिम समुदाय की भावना से क्यों की जाती है। काउंटर टेररिज्म कोर्स का विरोध जेएनयू कैंपस से निकलकर राजनीति के अखाड़े तक पहुंच गया। सीपीआई से राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च शिक्षा को ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जो अधूरे सच और गलत जानकारियों के माध्यम से भू राजनीतिक विषयों का राजनीतिकरण हो रहा है और उन्हें सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2018 में भी इस कोर्स को लेकर विवाद हो चुका है। वैसे भी जेएनयू एक ऐसा संस्थान बन चुका है जहां हर फैसले पर विवाद होना तय है। हॉस्टल की फीस बढ़ जाए तो विवाद, कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगना हो तो विवाद। लिहाजा अब तो ये कहा जा सकता है कि काउंटर टेररिज्म कोर्स पढ़ाने पर भले ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फैसला ले लिया है, लेकिन विवाद थमा नहीं बल्कि आने वाले समय में ये जोर पकड़ सकता है।
तो क्यों हो रहा है इस पूरे कोर्स के ऊपर विवाद और इस कोर्स की असलियत क्या है? हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रोफेसर धनंजय सिंह, स्कूल ऑफ इंग्लिश स्टडीज में पढ़ाते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर अंशु जोशी जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ाती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। पर प्रोफेसर सिंह, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ये बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एक जबरदस्ती का विवाद बनाया जा रहा है, यहाँ सिर्फ आतंक के बारे में पढ़ाया जाएगा, किसी एक धर्म विशेष समुदाय विशेष से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जैसा कि आप अभी बता रही थी रिपोर्ट में कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये पास हुआ है बिना विवाद के, तो ये जो अपने आप में इस बात का ये सबूत है कि JNU, जैसे कि पहले से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस बात से जाना जाता है कि जो देश में ऐसी घटनाएं या ऐसे ट्रेंड्स या ऐसे इश्यूज जिस पर कि स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन्स को, कंट्री को सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए, इस पर कोर्स बने। और JNU में हर सेंटर को एक फ्रीडम, एक आज़ादी होती है कि अपने हिसाब से कोर्सेज बनाएं जो कि एकेडमिक काउंसिल में अप्रूव होता है, जैसा कि आपने बताया हुआ, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल फाइनली अप्रूव करता है। आतंकवाद आज पूरे विश्व में जो है, जिस तरह से अभी अफगानिस्तान में चीज़ें हुई हैं, और एक बात मैं आप ये कहना चाहूँगा कि टेररिज्म किसी भी रिलीजन से ऑफकोर्स जोड़ के नहीं देखना चाहिए, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो। टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी मुस्लिम एथनिक कम्युनिटीज़ रही हैं अफगानिस्तान में, हज़ारज रहे हैं ऑब्वियसली, तो क्यों नहीं हम टेररिज्म के जो है ओरिजिन्स को, कहाँ से टेररिज्म आता है, कौन सी मानसिकता है और इसको कैसे रोका जाए, और स्टेट फॉर इंस्टेंस या जो एक इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कंट्रीज साथ में आए, या विद इन द नेशन स्टेट्स ऐसा जो एजेंसीज हैं उसको किस तरह से प्रिपरेशंस करनी चाहिए, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों नहीं जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, इस बात पे विचार करें। और जो विवाद फैलाना चाहते हैं उसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप किसी एक रिलीजन, एक धर्म से जोड़ कर इसको बनाएं और फिर विवाद को जन्म दें और इसको वैसे आपने जैसे कहा कि JNU में पहले से, हमेशा से हम तो स्टूडेंट्स भी रहे हैं काफ़ी साल पहले, कोई भी जो डिसीजंस होता है उसको, उसका एक तरीके से डिबेट होती है, एक डिस्कशन होता है, वो अच्छी बात है। जब एक कोर्स पास होता है और एक क्लास में जब वो टीचर उस कोर्स को लेके जाता है या जाती हैं, तब भी डिबेट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक नेचर रहा है JNU के पेडागॉजी का। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरे, लेकिन किसी पूरे कंसल्टेशन के बाद इस फैसले को लिया गया है, ये यूनिलैटरल नहीं है। पर जो एक कुछ शब्दावली है प्रोफेसर जोशी, जैसे कि काउंटर टेररिज्म की बात है, पर सिर्फ जिहादी आतंकवाद पर ही पूरा फोकस क्यों है? जहाँ आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, हमने जो ये कोर्स बनाया है ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स पर बनाया है। तो जैसा कि आप भी समझ सकती हैं कि टेररिज्म किस तरह से पूरे विश्व के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर कई प्रयास चल रहे हैं। हम इसे काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स के नाम से जानते हैं। इसमें हम नॉर्मेटिव या पॉलिसी लेवल पर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लेवल पर काम कर रहे हैं, हम जनरल अवेयरनेस क्रिएट करके कॉमन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, इसमें सरकारों का योगदान है, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का योगदान है। तो इन सारी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व भर में काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स पढ़ाए जाते हैं। ये पेपर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हमने बनाया ताकि वे बच्चे कहीं ना कहीं तकनीक के माध्यम से अपना सकारात्मक योगदान इन इनिशिएटिव्स को दे सकें। अब पद्मजा, जब हम काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें कंसेप्चुअली टेररिज्म और टाइप्स ऑफ टेररिज्म पढ़ाते हैं, पढ़ाना होता है हमें, और जब हम वो पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें इस्लामिक टेररिज्म इज अ टाइप ऑफ टेररिज्म, और ये पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। तो ये कोई किसी धर्म विशेष को टारगेट करता हुआ पेपर बिल्कुल नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव पेपर है। इट्स ऑन काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स, और इस्लामी आतंकवाद उसका एक कहीं ना कहीं भाग है। जब हम आतंकवाद के प्रकार अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आता ही है।
जी ये बताइए, पर आप जो आप बाकी क्या क्या आतंकवाद इस कोर्स में किसकी बात कर रहे हैं, क्या खालिस्तानी आतंकवाद या जो श्रीलंका में लिट्टे का आतंकवाद था LTTE जो पूरा बना था, क्या उसके बारे में भी ये कोर्स पढ़ाएगा प्रोफेसर जोशी? और सिंगली इसकी बात करते हैं वो एक एथनिक इश्यूज है, और इसीलिए हम ये कोर्स पढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों को, विद्यार्थियों को एथनिक इश्यूज, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और आतंकवाद के बीच में अंतर समझ में आए। आप समझिए कि बर्मा में जो हुआ या श्रीलंका में जो हुआ वो वहां के एक समुदाय विशेष ने अपनी कुछ एथनिक रीजंस की वजह से किया, और वो पूरे विश्व में तलवार लेकर के लिए नहीं निकले कि हम पूरे विश्व को बुद्धिस्ट स्टेट बना देंगे। जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं तो पहले समझिए कि वो क्या है। इस्लामी आतंकवाद उन आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है जो इस्लाम को केंद्र में रखते हुए पूरे विश्व को इस्लामिक स्टेट या शरिया बनाना चाहते हैं। आप चाहे ISIS का नाम लीजिए, अलकायदा का नाम लीजिए, बोको हरम का नाम लीजिए, तालिबान का नाम लीजिए, भारत में आप देखिए जैश ए मोहम्मद को देखिए, लश्कर ए तैयबा को देखिए, ये तमाम आतंकी संगठन कहीं ना कहीं इस्लाम को केंद्र में रखकर तलवार की नोक पर सारे विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इसीलिए इन आतंकवादी संगठनों को इस्लामिक आतंकवादी संगठन कहा जाता है और इस आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है। तो ये तथ्यात्मक रूप से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोफेसर धनंजय सिंह, पर ये बताइए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये सो कॉल्ड जिहादी टेररिज्म ही है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप हर किसी और तरीके का जो टेरर होता है, भले से ही वो चेचनिया में हो या फिर आपकी कॉन्गो में हो या फिर बर्मा में हो या श्रीलंका में हो, वो रीजनल और एथनिक समस्याएं हैं, पर जो आतंकवाद है वो सिर्फ जिहादी आतंकवाद है। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि सारा फोकस सिर्फ एक ही धर्म विशेष पर रखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उस कोर्स जो उसके जो सिलेबस है, कोर्स कॉन्टेंट है, उसको पढ़ें तो वो काउंटर टेररिज्म और एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स पे है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स जो है पूरे दुनिया में जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ का जैसे अभी प्रोफेसर जोशी ने बात की है उसकी पढ़ाई हो गई। और एक बात आपको ये समझनी चाहिए कि JNU में कोई भी जो कोर्स होता है उसकी जो उसका जो कंटेंट होती है वो कभी फिक्स्ड नहीं होती, वो इवॉल्व करती रहती है। तो आज अगर कोई कोर्स पास हुआ है तो वो अगर कोर्स 5 साल बाद उस पेपर पढ़ाई जाती है तो वो इवॉल्व करेगी उस सब्जेक्ट में दुनिया में और क्या हो रहा है। आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उसकी भी पढ़ाई डेफिनेटली होगी। और ये आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि JNU में हर कोर्स में, जैसे कि हम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके कोर्स का जो कंटेंट है उसको हर सेमेस्टर में जब भी वो कोर्स ऑफर होता है वो डेवलप करता है, तो वो चेंज करेगा। मूलतः बात यह है कि टेररिज्म जो है एक जो है कोर इशू है आज के जियोपॉलिटिकल जो आज का एनवायरनमेंट है वर्ल्ड ओवर में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और इस्लामिक टेररिज्म को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। वो एक अहम जो है पार्ट है इस कोर्स का, बट अदर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ का नाम आपने लिया अभी जो है, उनकी भी पढ़ाई होगी, डेफिनेटली होगी। पर प्रोफेसर जोशी, कि आप क्योंकि कह रही हैं कि आतंकवाद जो धर्म आधारित आतंकवाद है वो सिर्फ आप इस्लामिक आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवाद भी तो धर्म आधारित है। विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का यदि निर्णय होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा तयशुदा प्रक्रियाओं से गुजरकर ही होता है। 17 अगस्त को अकादमिक काउंसिल में, विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल में ये पेपर रखा गया था। इसके साथ 2 और अन्य पेपर रखे गए थे, वहां विशेषज्ञों की तथा सदस्यों की मौजूदगी में ही बहुमत से पारित होने की वजह से ही ये पेपर्स पास हुए हैं। तो इस प्रकार की धारणाएं बनाना गलत है कि राय नहीं ली गई या गलत तरीके से पास हुआ या इस प्रकार की बातें कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपनी प्रक्रियाओं का पूरा ध्यान और सम्मान करते हुए किसी भी प्रकार का निर्णय लेता है। पर लोग फिर भी इस बात से खफा है प्रोफेसर जोशी कि जिहादी आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों किया गया है, क्योंकि इन शब्दों से एक बहुत अनीज हो रही है।
हमारे सामने उदाहरण ही ऐसे ही आते हैं। हमने 9/11 को हुआ अमेरिका में हमला देखा, हमने भारत में मुंबई पर हुआ हमला देखा, हमने सिडनी में हुआ हमला देखा, हमने फ्रांस पर हुआ हमला देखा, हमने पेशावर में छोटे छोटे बच्चों को बहुत बुरी तरह से तालिबान द्वारा मारे जाते देखा। इसके अलावा अनगिनत ऐसे हमलों की फेरहिस्त मेरे सामने है। हमने देखा बोको हरम ने अफ्रीका में किस प्रकार से क्रिश्चियन लड़कियों को सिर्फ इसलिए सेक्स स्लेव बनाया और उनके साथ, मैं कह नहीं सकती, इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया क्योंकि वो क्रिश्चियन थी और ये इस्लामी आतंकवादी संगठन था। तो हम जितने ऐसे हमले जब अपने सामने रखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े हमले हुए, और जब आतंकवादी संगठनों की फेरहिस्त बनाते हैं, तो वे इस्लामिक आतंकवादी संगठन क्यों होते हैं? ये तो हमारे सामने है, ये तो उदाहरण है। धनंजय सिंह जी, आगे सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। एक इंजीनियरिंग के कोर्स में आतंकवाद को लेकर के पेपर क्यों है? दोनों का क्या रिलेशन है? देखिए, सिर्फ आतंकवादी कोर्स नहीं है ना, आपको ये बात समझनी चाहिए कि JNU बहुत पहले से एक इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी रही है। कोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स को इनफैक्ट बहुत पहले से फ्रीडम होती है। टेक्निकली कोई भी अगर कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ स्टूडेंट है, अगर JNU के एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, तो वो फिलोसफी MA कर सकता है, या मतलब ये आज़ादी है। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है इस यूनिवर्सिटी का। क्या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए क्या हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में? क्या उनकी जो सोच है उसको इम्प्रूव नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और जानकारी तो सब सबको होना चाहिए। तो इसलिए बेसिक आंसर ये है। दूसरी चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जो जो वर्ड है जिहाद, इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इवन जो है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो मुस्लिम एकेडमिक हैं, राइटर्स हैं, उनका भी ये कहना है कि जिहाद का एक इंटरप्रिटेशन है और एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जो है, जो कि एक वायलेंस की तरफ लेके जाता है, मजबूर करता है सोसाइटी को। तो वो इतना प्रोवोकेटिव नहीं होना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है। तो आप कह रहे हैं कि प्रोवोकेशन बनाया जा रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है इस कोर्स में। प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर धनंजय सिंह, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।